हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। आज हम लोग वन कंसेप्ट सो पर डे में सीखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम आसानी से कैसे ज्ञात करें, आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करें। यदि हमको 12 का स्क्वायर निकालना हो, किसका स्क्वायर निकालना हो, तो 12 का स्क्वायर निकालना हो तो 12 का स्क्वायर आसानी से हम कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, देखिए हमको किसका स्क्वायर निकालना है, 12 का स्क्वायर निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले 1 गुना 2 गुना 2 कर लेंगे, 1 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। इसको सिंगल नहीं लिखना है, इसको किस में लिख लेना है, पेयर में लिख लेना, 0 4। उसके बाद क्या कर लेंगे हम, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1। लेकिन इसको सिंगल में नहीं, जब स्क्वायर निकालना हो तो सिंगल में नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, पेयर में लिखना। तो क्या लिखेंगे, 0 1। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। इसको पेयर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये जो 0 4 आया है एक डिजिट छोड़ करके, यानी कि इस डिजिट को छोड़ करके हम क्या कर देंगे, इस 0 4 को यहां लिख देंगे और इसको क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, इसको ऐड कर लेंगे, सॉरी उल्टा लिखा गया, क्या लिखेंगे हम, 0 0 4। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 4 1। तो हम लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। आप कहिएगा ये तो इजी वाला था, आप आसानी से बता दिए। 12 का स्क्वायर कौन नहीं है जो नहीं जानता होगा कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखिए पहले हम छोटे चीजों को देखेंगे, छोटे को देखते 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 क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरीका से हम आपको स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं, 14 का स्क्वायर इजी वे में कैसे निकालेंगे। जैसे हमको 14 का स्क्वायर निकालना हो, किसका स्क्वायर निकालना हो, 14 का स्क्वायर निकालना हो, तो 14 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, 1 गुना 4 गुना 2, यानी कि 1 गुना 4 गुना 2, 1 गुना 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको हम सिंगल नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे, 0 8 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, लेकिन इसको सिंगल नहीं लिखना, पेयर में लिखना, 0 1। हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, आई मीन 16 होगा, यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 16 लिख लेंगे। अब देखिए एक डिजिट छोड़ करके 0 8 को क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना और इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अब देखिए इससे भी हम थोड़ा बड़ा डिजिट लेके देखते हैं कि उस पर ये लागू होता है कि नहीं। हम 57 का स्क्वायर निकाल के आपको दिखाते हैं कि 57 का स्क्वायर इस तरीके पे निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखिए यदि हमको 57 का स्क्वायर निकालना हो तो 57 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही 5 गुना 7 गुना 2। तो 5 गुना 7 गुना 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 2 70, कितना हो गया, 70 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर वही तरीका हम अपनाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25, इसको यहां लिख लेना है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49, यानी कि 49, इसको यहां लिख लेना है। वही एक डिजिट छोड़ करके, क्या करके, एक डिजिट छोड़ करके इस 70 को यहां लिख देना और इसको एकदम आराम से ऐड कर देना है। कितना आ गया हमको आंसर, 32 और 49। इसका आंसर कितना आ गया, 32 और 49। जब हम 57 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आता है, 32 और 49। यदि हम 87 यानी कि 87 का स्क्वायर करें तो 87 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए पहली बात, जब हमको 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर याद नहीं होता है तो जब हमको एग्जाम में अचानक या स्क्वायर निकालना होता तभी दिक्कत हो जाता है। यदि आपको तभी हम क्या करेंगे, जब हमको एग्जाम में पता नहीं होता है कि 87 का स्क्वायर क्या होगा, जब स्क्वायर करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से तो स्क्वायर के 87 मल्टीप्लाई 87 बहुत समय लग जाता है। यदि आप इस तरीका को अपनाइएगा ना, जब आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, यही आपको क्या लगने लगेगा, ईजी लगने लगेगा। देखिए जैसे देखिए 87 का हमको स्क्वायर निकालना है तो 87 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 87 में क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई टू, तो आठ गुना सात गुना दो, अठी सती छप्पन, छप्पन दूना एक, 112, छप्पन को जब दो से गुना करेंगे तो कितना होगा 112। फिर वही तरीका, आठ का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, और सात का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49। वही एक डिजिट छोड़ करके, तो नाइन को छोड़ करके क्या लिख लेना है 112 लिख लेना, और इसको आराम से ऐड कर देना है, 12 लिख के क्या कर देंगे आराम से ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7669, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7669। अब देखिए ये तो टू डिजिट की बात रही, टू डिजिट का हम स्क्वायर निकालें, क्या होता है कि कुछ टू डिजिट के इकाई स्थान पे 5 रहता है, उसको हम आसानी से उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो हम आपको अभी बताते हैं। आज के बाद यदि आपको इकाई स्थान पे 5 वाला कोई भी संख्या दिख जाएगा ना, आप उसका स्क्वायर देखते ही निकाल दीजिएगा। चलिए उसको करके देखते हैं, जैसे देखिए हमको 15 का स्क्वायर निकालना हो, देखिए पहले लेना छोटा डिजिट है, जब छोटा डिजिट को समझ जाइएगा ना तो बड़ा अपने आप हो जाएगा, बड़ा भी करके दिखाएंगे, पहले छोटा को लेके देखते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर निकालना हो तो इकाई स्थान पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, जब इकाई स्थान पे 5 दिया हुआ है तो हम क्या कर लेंगे 5 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और क्या एक में एक बढ़ा देंगे, एक में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 को 1 से गुना कर लेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो एक में एक बढ़ाएंगे 2, और 2 को 1 से गुना कर लेंगे, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, जब हम 15 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है 225। ये तो आपको याद ही था, अब हम आपको करके दिखाते हैं 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए हमको 25 का स्क्वायर निकालना हो, वही तरीका, हम क्या करेंगे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भैया 25, 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 3, और 3 को 2 से गुना कर देंगे कितना होगा 6, तो 25 का स्क्वायर कितना निकल गया भैया हमको 625, 25 का स्क्वायर हमको कितना निकल गया 625। अब कहिएगा कि आप हमको 45 का स्क्वायर करके दिखाइए, हम आपको 45 का स्क्वायर करके दिखाते हैं। जैसे 45 का स्क्वायर करना है, जब 45 का स्क्वायर करेंगे तो वही तरीका सेम, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर किया कितना हुआ 25, 4 में 1 बढ़ाएंगे, 4 में क्या करेंगे हम 1 बढ़ाएंगे और उसी संख्या यानी कि 4 से गुना कर देंगे, 4 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5, 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, जब हम 45 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आ जाता है 20, 25। अब देखिए आपको हम 85, 95, 105, 115 का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। जैसे देखिए यदि हमको 85 का स्क्वायर निकालना, जब 85 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको 85 का स्क्वायर हम आसानी से कैसे निकालेंगे, देखिए 85 का स्क्वायर हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब 5 का स्क्वायर करेंगे 8 में क्या करेंगे हम 1 को बढ़ा देंगे, 8 में क्या कर देंगे हम 1 को बढ़ा देंगे, 8 में जब 1 को बढ़ाएंगे तो कितना होगा भैया 9, 9 को 8 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 8 में 1 बढ़ाएंगे 9, 9 को 8 से गुना कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 98, 72, 8 को जब 9 से गुना किए तो कितना हो गया 72, तो इसका आंसर 85 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा 72, 25। अब देखिए आप कहिएगा चलिए आप तो टू डिजिट में इकाई स्थान पे 5 था तो इसको आसानी से करके दिखा दिए, देखिए बेसिकली एग्जाम में जो स्क्वायर आपको पूछा जाएगा ना वो स्क्वायर बेसिकली 1 से लेकर 100 तक ही रहता है, इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन उनको 1 मिनट में बनवाना है, 1 मिनट में बनवाना है कि नहीं, अब ऐसा पूछ देगा कि 5000 का स्क्वायर कैसे निकालें, अब 4000 का स्क्वायर कैसे निकालें, 324 का स्क्वायर कैसे निकालें, देखिए ऐसा अगर पूछेगा ना तो वो समझता है कि अगर इस प्रकार का स्क्वायर हम निकालने देंगे तो इस प्रकार के स्क्वायर को निकालने में इसको 2 दिन लग जाएगा,
तो हम ये बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना करेगा, उसको सॉल्व क्वेश्चन कितने देर में करवाना है, 1 मिनट में करवाना है। तो 1 से लेकर 100 तक आप यदि स्क्वायर को पूरी तरह से समझ जाते हैं, अगर पूरी तरह से जान जाते हैं, तो मोर देन सफिशियंट है। देखिए यदि हमको 105 का स्क्वायर निकालना हो ना, तो 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो वही सेम प्रोसेस है, 5 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 10 में क्या करेंगे, हम 1 को बढ़ा देंगे, 10 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 11, और 11 को 10 से गुना कर देंगे, 10 11 दही 110 और 25, इसका आंसर यानी कि 105 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 0 2 5। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब तो ये हो गया, अब हम आपको सिखाते हैं कि स्क्वायर रूट को कैसे निकालें। दिक्कत स्क्वायर रूट निकालने में भी आती है, तो आज हम परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, फिर हम जब अगला लेक्चर लेके आएंगे ना, तो अगला लेक्चर में बताएंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट कैसे निकालेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए यदि हमको 3969 का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। इसमें पहली बात तो आप ये देखिए कि 50 का स्क्वायर तो आप जानते होंगे कितना होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10000 होता है। अब देखिए ये जो संख्या आपको लिखी हुई दिख रही है, ये या तो 2500 के नजदीक होगा या तो ये संख्या 10000 के नजदीक होगा। देखिए 3969 किसके नजदीक है, ये लगभग 2500 के नजदीक है। तो हम लोग जानते हैं 2500 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना होता है, 50 होता है। 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया, 50। 2500 का देखिए भैया 50 गुना 50 किए तो कितना हो गया, 2500 हो गया, हो गया। जब इसका स्क्वायर रूट निकाल दे तो वो क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि इसमें तो 2 जीरो दिया हुआ है, जीरो को कुछ करना नहीं है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 को 0 बैठा दीजिए, कितना हो गया, 2500। और स्क्वायर रूट निकालना है तो 25 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 2 को 0 है तो 1 को 0 वहां बैठा दीजिए, तो 50 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 50 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 50 का स्क्वायर रूट हमको कितना होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 50 होता है, और 100 का स्क्वायर 10000 होता है, और 10000 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 10000 का स्क्वायर रूट हमको कितना होता है, 100 होता है। चलिए देखिए, सॉरी अब देखिए हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जिसमें ये किसके नजदीक है, 2500 के नजदीक है। हम लोग जानते हैं 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 50 होता है, प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए इसके लास्ट में 69 लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर करें कि 69 आ जाएगा। जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं ना, 169 आता है, तो हम क्या करेंगे, 50 में 13 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये संख्या 2500 से बड़ी है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 50 से बड़ा आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब 50 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, 63 निकल जाएगा। इसी तरह से इस संख्या को देखिए, 4624। देखिए जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालें ना, तो ये भी अप्रोक्स लगभग 2500 के आसपास ही है, क्योंकि 10000 तो इनसे बहुत दूर हो जाता है, लिए 2500 के आसपास है, तो 2500 का आसपास है, तो हम लोग जानते हैं 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 2500 का स्क्वायर रूट 50 होता है। यहां पर हम क्या कर लेंगे, 50 लिख लेंगे और प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए इसके लास्ट में, लास्ट का कितना डिजिट देखना है, जब स्क्वायर रूट निकालना हो तो 2 डिजिट, लास्ट का कितना डिजिट देखना है, 2 डिजिट, जब हमको क्या निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो। तो हम किसका स्क्वायर करते हैं कि लास्ट में 24 आता है, जब हम लोग 18 का स्क्वायर करते हैं ना भैया, तो 18 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 324। तो इसमें क्या कर देंगे, ये संख्या आपको 2500 से तो बड़ी दिख ही रही होगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना भैया, 2500 से बड़ी है कि नहीं है,
तुम बड़ी हो ना 2500 से। हाँ ये भी संख्या भी कह रही है कि हम 2500 से बड़े हैं, तो ये 2500 से बड़े हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए लास्ट में किसके लास्ट में किसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 24 आता है, जब 18 का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में कितना आता है 324, इसमें क्या कर देंगे हम 18 को ऐड कर देंगे। जब 50 में हम भैया 18 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 68 हो जाता है। जब हम 68 का स्क्वायर करेंगे तो 4624 होगा, और 4624 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए ये 5329 दिया हुआ है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, देखिए 10,000 लेके भी कर सकते हैं, 100 का भी ले, मतलब कितना, क्योंकि ये 10,000 के भी मतलब 10,000 और 2500 के आसपास भी है, तो हम इसको क्या करते हैं आपको 2500 के आसपास भी करके दिखा देते हैं और 10,000 के आसपास भी करके दिखा देते हैं। देखिए यह क्या है, हम लोग जानते हैं 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है 50 होता है, 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है 50 होता है, ये 2500 से संख्या बड़ी है कि नहीं, 2500 से ये संख्या बड़ी है। अब क्या करेंगे इसमें प्लस का साइन आएगा, देखिए इसके लास्ट में कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। अब हमको एक चीज़ बताइए किसका स्क्वायर करेंगे कि उसके लास्ट में क्या आ जाना चाहिए 29 आ जाना चाहिए, किसका स्क्वायर करेंगे कि उसके लास्ट में 29 आना चाहिए। जब हम 23 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 529, जब 23 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 529, इसमें हम क्या करेंगे 23 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। जब 50 में 23 को ऐड करते हैं यानी कि 50 में 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 73, जब 73 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 5329 होता है। ठीक है, यहां तक समझे, आई होप समझे होंगे, मजा आ रहा है, आ रहा है, मजा नहीं लेना भैया सीखना है। चलिए देखिए आगे देखते हैं, देखिए अब हमको 7056 का स्क्वायर रूट निकालना, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो ये तो सीधा कह रहा है कि भैया हम 10,000 के आसपास हैं, हमको जब भी बनाना तो 10,000 के आसपास लेके ले जाके बनाना, तो हम लोग जानते हैं 10,000 का स्क्वायर रूट कितना 100, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना 100। हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। भैया हो आप हमको ये बताइए 7056 10,000 से बड़ा या छोटा, तो 7056 भैया 10,000 से छोटा, तो साइन किसका माइनस का होगा कि नहीं होगा, माइनस का साइन होगा। अब देखिए इसके लास्ट में कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, इसके लास्ट में कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, तो 56 जो है किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 56 आता है, जब हम लोग 16 का स्क्वायर करते हैं ना भैया, आई मीन 16 का स्क्वायर तो होता है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो लास्ट में कितना आता है 56 आता है, इसमें से हम क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे, इसमें से हम क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 को जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 84, तो यानी कि 7056 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 84, 7056 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 84। अब देखिए यहां पे हमको कितना दिया हुआ है 7356, सॉरी यहां 7356 नहीं 7396 होगा, क्या होगा 7396, यही है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर नंबर का जो पूर्ण स्क्वायर हो उसी नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ कितना होगा 7396 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी किसके नियरेस्ट है भैया 7396 किसके नियरेस्ट है 10,000 के नियरेस्ट है, हम लोग जानते हैं 10,000 का स्क्वायर रूट कितना 100, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना भैया 100, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। भैया हो आप हमको ये बताइए ये 7396 100 से 10,000 से बड़ा या छोटा, तो आप एकदम एक ही आवाज में कहिएगा भैया 10,000 से ये छोटा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ माइनस का साइन तुरंत दे देंगे आपका। अब देखिए यहां क्या दिया हुआ है लास्ट में 96, भैया हो किसका स्क्वायर करते हैं कि उसके लास्ट में 96 आता है, जब हम लोग 14 का स्क्वायर करते हैं भैया 14 का जब स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है ना, तो इसमें से क्या कर लेंगे हम 14 को माइनस कर लेंगे, जब आप 100 में से 14 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा
96, क्या आ जाएगा 86। यहां तक समझे? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा, और समझना भी चाहिए, ये सब बच्चों वाली बात है, हम लोग बचपन में सीखते हैं। लेकिन अब क्या करें, कंपटीशन में है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो इसको तो सीखना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, और बिल्कुल सीखना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए आपको, अब हमको 8836 का स्क्वायर निकालना हो, तो 8836 का स्क्वायर हम कैसे निकालें? देखिए ये भी 8836, आप एकदम बेधड़क कह दीजिएगा भैया ये 10,000 के आसपास है। हम लोग जानते हैं 10,000 का स्क्वायर रूट कितना, 10,000 का स्क्वायर रूट 100, तो एकदम हम खुशी खुशी 100 लिख दिए। अब हम आपसे पूछेंगे भैया 8836 10,000 से बड़ा या छोटा? आप एकदम में कहिएगा छोटा छोटा, हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन कर देंगे, क्योंकि आप कहे हैं कि 10,000 से ये छोटा है, तो हम माइनस का साइन दिए। अब देखिए इसके लास्ट में कितना दिया हुआ है भैया, हो इसके लास्ट में दिया हुआ है 36। 36 किसका स्क्वायर करने पे 36 आता है? जब हम 06 का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में क्या आता है, 36, या 6 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 36। तो हम 100 में से क्या कर लेंगे, 100 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा भैया, हो 94। तो 94 यानी कि 8836 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 94। ये आपको स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि भैया आपको इस वीडियो से 1% भी लाभ मिलता होगा ना, तो इस छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।